हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपको मस्ट डू है करके ही जाना 2023 के लिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों ही क्वेश्चन बारी बारी से 4 मार्क या 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो में उसी को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहला जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, 2014, 2015 और 2016। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान देना। तो पहले क्या लिखेंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, तो हम एक एक्सिस ले रहे हैं जिसको आई नॉट है, ठीक है, अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईसी, ठीक है, और पासिंग थ्रू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये सी सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो गिवन रिजिड बॉडी के एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और पासिंग थ्रू कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जो कि है डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस जो कि एच है, इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो कि एच है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या होना चाहिए, मास, जिसको हम लोग बोलेंगे एम एच स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस एंड प्रोडक्ट, ठीक है, तो एम एच स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले ट्राइंगल ओ पी क्यू या ओ क्यू पी में पाइथागोरस अप्लाई कर दो, तो ओ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा ओ पी स्क्वायर एज इट इज, इसको ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू को देखो आप क्या लिख सकते हो डायग्राम से, ओ सी प्लस सी क्यू, तो यहाँ ओ क्यू की जगह लिखा ओ सी प्लस सी क्यू, तो ये ए प्लस बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a into b फिर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू स्क्वायर एज इट इज। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये सी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, यहां देखना डायरेक्ट सी क्यू पी, इन ट्राइंगल सी क्यू पी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस सी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम, सी पी स्क्वायर, तो इसलिए सी क्यू प्लस पी क्यू, इसके लिए क्या लिख दिया हमने, सी पी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, हर एक टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, डीएम से, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दोगे, तो डीएम से इसको भी मल्टीप्लाई किया, डीएम से इसको भी मल्टीप्लाई किया, टू ओ सी इंटू सी क्यू को भी डीएम से किया और सी पी स्क्वायर डीएम को भी किया, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हो आप, ये जो ओ पी स्क्वायर डीएम होता है ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है, क्यों, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस हमारा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा जो कि ओ पी स्क्वायर है, ठीक है, और मास हमारा डीएम हो जाएगा, तो ये ओ पी स्क्वायर डीएम किसके अलॉन्ग है, इस एक्सिस के, तो इसका नाम क्या हो गया, आई नॉट, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया आई नॉट। अब ओ सी स्क्वायर, ओ सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ सी एच, और इंटीग्रल ऑफ डीएम क्या होता है, एम, ठीक है, तो ये क्या हो गया एम और ये क्या हो गया एच स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे एम एच स्क्वायर। अब ये जो सी पी स्क्वायर डीएम है तो ये किसके अलॉन्ग, सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो आई सी मतलब यहाँ से डिस्टेंस सी पी, ठीक है, सी पी स्क्वायर डी एम, तो ये क्या हो गया, नथिंग बट आई सी, तो यहाँ पे आ जाएगा आई सी, तो इसलिए यहाँ पे आ गया आई सी। अब आप सोचोगे ये वाला क्या होगा, तो सी क्यू डी एम, तो जो मास होता है जो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है, जीरो, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, जीरो होगा, तो इसलिए सी पी, ये जो सी क्यू है, ये सी क्यू, ये सी से लेके क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो, सी क्यू डी एम, तो इसलिए पूरा ये जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए सी क्यू डी एम की जगह जीरो, तो आ गया हमारा आई नॉट, ये हो गया आई नॉट, ये हो गया हमारा सी पी स्क्वायर, हो गया हमारा आई सी, और ओ सी स्क्वायर डी एम क्या हो गया, एम एच स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, जीरो, तो इसलिए 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 4 मार्क के लिए कैसे है, इसका डायग्राम 1/2 मार्क, स्टेटमेंट 1 मार्क, यहाँ पे आप यहाँ स्टेटमेंट तक लिखोगे तो 1/2 मार्क, यहाँ तक आप आए तो सब्स्टिट्यूट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया डीएम तो 1/2 मार्क, और बाद में इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 मार्क, और लास्ट में आपका 1 मार्क, तो 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस देखते हैं। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम है ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है, एक बार आया था मार्च 10 में,
ठीक है, मार्च 10 में आया है एक बार, और एक बार आया था मार्च 14 में, ठीक है, तो ये भी दो बार आ चुका है। तो इसमें क्या है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लेन एक्सिस, मतलब प्लेन लैमिना अबाउट इन गिवन एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों 90-90 डिग्री पे, ठीक है। तो प्लेन लैमिना, प्लेन बॉडी का मतलब होता है फ्लैट बॉडी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एंड गिवन एक्सिस इक्वल्स टू सम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हम एक्स वाई को भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस कट्स द प्लेन लैमिना, जहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कर रहा है, प्लेन लैमिना को कट कर रहा है। तो अभी ध्यान से देखना, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई, और मास क्या है, डीएम, तो इसीलिए आई एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डीएम। वैसे ही पी पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस एक्स है और मास क्या है, डीएम, तो इसीलिए वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एम मतलब डीएम और डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस वाई और वाई एक्सिस का डिस्टेंस एक्स। वैसे ही यहां से जेड एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, आर, तो इसलिए ये भी बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन से एम आर स्क्वायर, मतलब एम और ये डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। तो ये तो तीनों आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करेंगे, चाहे आप ट्राइंगल ओ पी एम ले लो या ओ पी एन ले लो, ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे हम, ओ पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओ एम क्या है, जो ओ एम डिस्टेंस है उसको हम x ले सकते हैं, वैसे ही जो पी एम डिस्टेंस है इसको हम क्या ले सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है। तो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, dm से करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dm इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर dm। तो ये जो dm हो जाएगा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, x स्क्वायर का डिस्टेंस है, तो अलॉन्ग y एक्सिस, इसलिए हो गया आई वाई। यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एम है अलॉन्ग एक्स, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये आर स्क्वायर डी एम है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये हमारा तीन मार्क के लिए आता है या तो चार मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में दो बार पूछा गया है, एक बार आई गेस 14 में पूछा था और फिर 14, 15, 16 ऐसा दो तीन बार तो पैरेलल एक्सिस पूछा है और दो बार परपेंडिकुलर एक्सिस पूछा है। तो इस साल नहीं पूछा था 2022 में, तो 23 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 3 से 4 मार्क के लिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँ, अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।